हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पैठे की सब्जी। कद्दू की सब्जी भी बोला जाता है। ये पीला पैठा है और ये आधा किलो के करीब लिया है और इसे हम छिलका उतार के कटिंग कर लेते हैं और फिर आगे बताते हैं कि इस पैठे का क्या करना है। फ्रेंड्स, ये पैठा हमने काट लिया है और इसे धो भी लिया है। इसे हम अब कुकर में डालेंगे और ये हम कुकर में उबाल के ही बनाएंगे, उसके बाद इसका तड़का हम तैयार करेंगे। तो ये सारा पैठा हम कुकर में डाल देंगे और एक कप, छोटा कप है वो पानी भी इसमें डाल देंगे और सारा पैठा इसमें डाल के एक विसल दिलवाएंगे और 2-3 मिनट के लिए सिम पे भी रखेंगे। फ्रेंड्स, सारा पैठा कुकर में डाल दिया और आधा कप के करीब हमने इसमें पानी भी डाला है। इसी के साथ थोड़ा सा ही हम इसमें नमक भी डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डाल के एक सीटी दिलाएंगे और एक सीटी आने के बाद 3-4 मिनट के लिए हम सिम पे रखेंगे। जब तक हमारा पैठा रेडी हो रहा है, आए हम उसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। हमने एक ऑनियन लिया है, इसे चॉप कर लेंगे। अदरक और लहसुन को भी चॉप कर लेंगे, हरी मिर्च भी, और टमाटर की प्यूरी बना लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने प्याज को चॉप कर लिया है, टमाटर को भी बीट कर लिया है, अदरक लहसुन का हमने ये भी चॉप कर लिया है। ये मेथी दाना है जो मैंने रात को भिगो दिया था और कड़ी पत्ता है, सरसों के दाने हैं, हींग। ये अब आओ हम शुरू करते हैं पैठे की सब्जी। तो हमारा पैठा भी लगभग तैयार है, तो हम सबसे पहले इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे और ये हींग डालने के बाद हम ये मेथी दाना भी डाल देंगे और सिम चेक पे करेंगे ताकि ये थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाए। फिर इसमें हम ये सरसों के दाने भी डाल देंगे। जैसे ये चटक जाएंगे तो हम इसमें ये कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का जो हमने चॉप किए हुए थे वो भी डाल देंगे। जैसे ये ब्राउन हो अब इसमें डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च जो हमने चॉप की। फ्रेंड्स, अब इसमें हम मसाले डालेंगे। मैंने एक छोटा चम्मच नमक लिया, जब कुकर में हम पैठा उबाले थे तो थोड़ा सा नमक तब भी डाला था। सूखा धनिया है 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, देकी मिर्च, अमचूर, खट्टा मीठा पैठा बना रहे हैं और ये किचन किंग और भुना हुआ जीरा। जैसा कि आपको मालूम है ये खट्टा मीठा पैठा बना रहे हैं तो आप चाहे तो इसमें चीनी या गुड़ भी डाल सकते हैं। देखिए, हमारे ये ऑनियन मसाला जो है वो भून चुका है, अब इसमें हम सारे ये मसाले डाल देंगे। ये बिना प्याज लहसुन के भी बन सकता है, सिंपल टमाटर अदरक हरी मिर्च से, लेकिन मैं ऐसे प्याज और लहसुन से बना रही हूँ। और बिना कुकर में उबाले भी बना सकते हैं, लेकिन ये नया तरीका है। देखिए, इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। हमारे मसाले भुन गए हैं, अब हम इसमें टमाटो की प्यूरी भी डाल देंगे। जब तक ये घी अलग नहीं हो जाएगा, अच्छे से भून नहीं जाएगा, तब तक इसे हम पकाएंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा पैठा बिल्कुल अच्छे से गल चुका है और जैसे ही हमारा मसाला ये भून जाएगा हम उसके अंदर ये डाल देंगे। बिल्कुल अच्छे से पक गया है। देखिए फ्रेंड, कितने अच्छे से हमारा मसाला भून गया है और घी भी अलग हो गया है। अब हम कस्तूरी मेथी जो हमने क्रश करके रखी है वो भी इसमें डाल देंगे, इससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। और हाँ फ्रेंड्स, ये मैंने सरसों के तेल में बनाया है, मस्टर्ड ऑयल में। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें जो पैठा हमने कुकर में उबाला था वो भी इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से इसे मिलाएंगे।
फ्रेंड्स एक बार ऐसे पराठा बनाना और कमेंट बॉक्स पे लिखना कि आपको कैसा लगा। और ये पूरी के साथ बहुत यम्मी लगता है। आपने खाया होगा शादियों में, ब्याह शादी में या सत्संग में पूरी साथ पराठा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसमें एक चम्मच चीनी या थोड़ा सा गुड़ जरूर डालें। ये देखिए तैयार है हमारा पराठा। अब इसके ऊपर हम ये हरा धनिया जो कि मैंने धो के रख दिया था और इसके ऊपर हम डाल, बस हमारा पराठा रेडी है। लीजिए फ्रेंड्स, पराठे की सब्जी रेडी है। अब आप पूड़ी बनाएं और खाएं। पूड़ी के साथ तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। बहुत ही स्वादिष्ट पराठा बना है। एक बार ज़रूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको कैसा लगा ये खट्टा मीठा रसीला पराठा। एक बार ज़रूर बनाना और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना। खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।